بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من اختلط بذهاب بصره فكان يلقن أحاديث فيتلقنها ومنها الباطل والموضوع فمن هذا الصنف هشام بن عمار وعبد الرزاق الصنعاني وعلي ابن مسحر ومنهم من اختلط بعد تولية القضاء كحفص بن غياث النخعي واختلاط هؤلاء على درجات فمنهم من كان اختلاطه خفيفا ومنهم من كان اختلاطه شديدا. यहाँ से इख्तिलात के ऊपर गुफ्तगु कर रहे हैं, अल कलामु अल इख्तिलात, यानी मुहद्दिस से हदीस बयान करने में, सनद बयान करने में खल्त बल्त वाली बात पैदा हो जा रही है। तो यहाँ पर उसकी गुफ्तगु करके अनवाउल इख्तिलात बयान किया था कि खल्त मल्त होने की एक शक्ल ये है कि बुढ़ापा आ गया, उसकी वजह से किसी पेशे वशे में दूसरे पेशे में लग गए। अब बयान कर रहे हैं हदीस तो अच्छी तरह बयान नहीं हो पा रही है, किताबें सामने रहती थी उसमें से बयान करने की आदत थी, अब किताबें गुम हो गई, जल गई, तो फिर अब बयान कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा ज़ोर हिफ्ज पर नहीं दिया था, तहरीर पर दिया था, तो उसकी वजह से शक हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। ये दो शक्ल बयान किया था, तीसरी शक्ल ये बयान कर रहा हूँ। मिनहुम मन इख्तलता बिदहाबि बसरिही, और उनमें से बाज़ वो रावी हैं जिनको इख्तलात हुआ है उनकी बीनाई के चले जाने की वजह से, ना बीना हो जाने की वजह से, बुढ़ापे की वजह से बीनाई भी चली जाती है। तो अब शेख हैं, हदीस पढ़ाते हैं, बाद में उम्र ज़्यादा हो गई तो बीनाई चली गई, अब पढ़ा रहे हैं तो लोग देख करके बताने वाले उनको बता रहे हैं, फिर ये वही अपनी ज़बान से अदा कर दे रहे हैं। तो इससे भी क्या है, ज़बान से देखा नहीं तो कभी कुछ निकल जा रहा, कभी कुछ निकल जा रहा। फ़काना युलक्कनु अहादीस, तो उनको हदीसें तलकीन की जाती थी, ऐसे लोग जिनकी बिनाई चली गई तो दूसरे लोग देख देख के पढ़ के बता रहे हैं। फ़काना युलक्कनु अहादीस, तो उनको हदीसें तलकीन की जाती थी, फ़यतलक्कनुहा, तो उसको ले लेते थे। अब जब देख नहीं रहे हैं तो कौन सी हदीस पढ़ के वो बता रहा है, ओमिन हल बातिलू, बस बातिल हदीस पढ़ के बता रहे हैं, ओमिन हल मौजू हदीस पढ़ के बता रहे हैं। अब निगाह हो तो कहते कि ये कौन सी हदीस पढ़ के तू बता रहा है, निगाह तो है नहीं, तो उसकी वजह से अल बातिल वल मौजू भी ये तलक्कन ले लेते थे। तो कलाम में इख्तलात हो गया, हदीसुल मुख्तलित होगी, क्यों, इसलिए कि इनकी बीनाई चली गई है। फमिन हादस सिंफी, इसी किस्म के इख्तलात वाले मुहद्दिस हिशाम इब्न अम्मार, हिशाम इब्न अम्मार, हिशाम इब्न अम्मार भी नाबीना हो गए थे अखीर उम्र में, तो फिर इख्तलात इनसे हो जाया करता था, बीनाई थी नहीं, लोग शागिर्दों में से तलकीन करते थे, फिर उसके बाद उसी को लेकर के, तलकीन का मतलब सिखाना बतलाना, या तलक्कनु का मतलब या तअल्लमु, तो उसे वो सीख लेते थे। हिशाम इब्न अम्मार का नाम है इसी में, मन ज़हबा बसरहू व अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अस्सनानी, ऐसे में दूसरा नाम
अब्दुर्रज़्ज़ाक सनानी का है, अब्दुर्रज़्ज़ाक सनानी। ये भी क्या है, यतलक्कल अल-बातिल वल-मौज़ूअ, हो सकता है बातिल और मौज़ू भी ले ले, क्योंकि जब निगाह नहीं है तो दूसरा कुछ भी बयान करेगा। तो हदीस अल-मुख्तलित, ये अल-मुख्तलित अज़्ज़ाहिबु बसरुहु, ऐसे मुख्तलित है जिनकी निगाह नहीं है, चली गई है। वह अली इब्न मसहरिन, और अली इब्न मसहर, मिसहर ये मुहद्दिस है, ये भी मुख्तलित है, इनकी नज़र बुढ़ापे में भी, इनकी बिनाई चली गई थी। ये तीन लोगों का नाम दिया, और भी तादाद है। ومنهم من اختلط بعد تولية القضاء, और एक किस्म उन लोगों की है जिनको इख्तलात होने लगा अदालत कज़ा का ओहदा कबूल करने के बाद, बाद तौलियतुल क़ज़ाई, कज़ा का ओहदा दे देने के बाद, कज़ा का ओहदा दे दिया इनको, जज बन गए, चीफ जस्टिस बन गए, तो उसके बाद फिर हदीस बयान करना मौजू रहा नहीं। तो फिर फैसले तो करते हैं लेकिन कभी कभी हदीस बयान करते हैं तो उसमें इख्तलात हो जाता है, तो ये भी एक किस्म है। हफ्स इब्न गियास नखाई, जैसे कि मुहद्दिस है हफ्स इब्न गियास नखाई, लेकिन उनको बाद में जब काजी बना दिया गया तो हदीस बयान करते तो दूसरे लोग तरखते किताब में देख करके कि ये तो इख्तलात से काम ले रहे हैं, इख्तलात हो रहा है इनको, तो कज़ा काजी बनने के बाद इख्तलात होने लगा। एक दो तीन चार, चार पांच तरह के लोगों को बयान कर दिया तो उनको इस तरह इख्तलात होता था, तो इख्तलात की किस्में बन गई। इख्तलात हाउलाए अला दरजातिन, और इन लोगों का इख्तलात चंद दर्जों पर है, इन लोगों के इख्तलात के चंद दर्जे हैं। فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ اِخْتِلَاتُهُ خَفِيفًا, तो उनमें से बाज का इख्तलात हल्का है, बात का खल्त मल्त क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा एक आध लफ्ज मदीनी की जगह मदनी बोल दिया, ये इख्तलात हो गया। فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ اِخْتِلَاتُهُ خَفِيفًا, उनमें से बाज का इख्तलात हल्का है। وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ اِخْتِلَاتُهُ شَدِيدًا, और उनमें से बाज ऐसे हैं जिनका इख्तलात शदीद है, बिल्कुल सलब ही बदल दिया, दूसरी कर दिया, हदीस का मजमून ही बदल दिया, मतन कुछ और पेश कर दिया। मन क्या न इख्तलात हो शदीदन, बहरहाल जिसका इख्तलात शदीद हो, फला युक्बल मिन हदीसिही, तो उनकी हदीस को कबूल नहीं किए जाएगा, फला युक्बल मिन हदीसिही, तो उनकी हदीस को कबूल नहीं किया जाएगा। इल्ला मा रवाहु अन्हु मन समिअ मिन्हु क़ब्ल अल-इख्तिलात, मगर वो हदीसें कबूल की जाएंगी जिसको उसे नकल किया है उस शख्स ने जिसने उस मुहद्दिस से सुना है इख्तिलात से पहले। पर इख्तिलात अगर शदीद है तो फिर ये फैसला है कि उनकी बयान की हुई हदीस कबूल नहीं की जाए, क्योंकि इनका इख्तलात शदीद है, मतन एकदम बिल्कुल उलट देते हैं, सनद बिल्कुल दूसरे बयान कर देते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि इख्तलात से पहले के कुछ लोग पढ़े हुए हैं उनसे, और ये तय है, तारीख वारीख कापी में लिख रखी है, और उनकी हदीस जो है दूसरे सिखा लोगों से मिलती जुलती है, और ये कह रहे हैं कि मैंने इख्तलात से पहले पढ़ा है, इस तरह तय हो जाए तो फला युक्बल मिन हदीसिही इल्ला मा रवाहु अन्हु मन समिअ मिन्हु क़ब्ल अल-इख्तिलात, जिसने इख्तलात से पहले सुना है तो उसकी हदीस क्या है, कबूल कर ली जाए। लिअन्ना समा मन समिअ मिन्हु बाद अल-इख्तिलात, इसलिए कि उन लोगों का सुनना जिन्होंने इनसे पढ़ा है, सुना है इख्तलात के बाद, यग़लिबु अलैहि अल-वहम वल-ख़ता, उस पर वहम और ख़ता ग़ालिब है, उस पर वहम और ख़ता ग़ालिब है।
इख्तलात के बाद पढ़ा है, जाहिर सी बात है कि जो चीज़ वो बयान कर रहे हैं तो अब उस पर उनकी बयान की हुई हदीस में ये भी ख्याल है कि सही बयान किया हो, लेकिन खता और वहम इस पर ज़्यादा गालिब है क्योंकि इख्तलात के बाद बयान किया इन्होंने, तो अब ज़्यादा इख्तलात हो ही जा रहा है, तभी ये मुख्तलिफ कहला रहे हैं, लिहाजा इनकी हदीस पर इख्तलात और वहम का गुमान ज़्यादा जाता है, 100% में 80% जाता है, इस वजह से इनकी हदीस कबूल नहीं की जाएगी। वअम्मा मन काना इख्तिलातुहु खफीफन, बहरहाल जिन लोगों का इख्तलात हल्के दर्जे का हो, जिनका ज़्यादा है तो उसके बारे में बता दिया कि उनकी हदीस कबूल नहीं की जाएगी, इल्ला ये कि वाज़ह दलील आ जाए कि इख्तलात से पहले इन्होंने पढ़ा है और इनकी हदीसें क्या है, दूसरे लोग जो हैं उसी तरह बयान करते हैं, सिका के मुआफिक हदीसें हैं, ज़्यादा कबूल कर ली जाएंगी। अलबत्ता है कि मन काना इख्तलात हो खफीफन, जिनका इख्तलात हल्का हो, तहकीक हो, तो मुहक्क बात यह है, मुदल्लल, तहकीक किसको कहते हैं, ऐसी बात जो दलील के साथ हो उसको तहकीक कहते हैं, जो बात दलील के साथ उसको कहते हैं तहकीक, और मुहक्क उसको कहते हैं जो कोई बात बयान करे दलील के साथ। और एक होता है तदकीक, एक आदमी दलील बयान करे किसी मसले की और दलील की भी दलील बयान करे, इसको क्या कहते हैं, तदकीक, ऐसे आदमी को मुदक्किक कहेंगे, मसला बयान किया फिर दलील बयान किया फिर दलील की भी दलील बयान की, तो उसको मुदक्किक कहते हैं, मुहक्किक मुदक्किक, बाल की खाल निकालना, दलील हो गई फिर दलील की भी दलील निकाल रहा, तो उसको मुदक्किक कहते हैं, बाल है बाल लेकर के एक उससे खाल निकाल रहा है, तो उसकी खाल निकलेगी तो कितना बचेगा, खाल निकलेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा और थोड़ा बहुत बचेगा, तो और ज़्यादा बारीक हो गया। तो तहकीक, तो तहकीक ये है, यानी मुदल्लल बात ये है, कबूल रिवायत ही मुतलकन, उनकी रिवायत को कबूल कर लेना मुतलकन। मौलाना अबुल कासिम जो इस वक्त शेख नदीर बन गए हैं दारुल देवबंद की मोहतमिम भी हैं, वो कबूल रवायत पढ़ते हैं, रवायत को रवायत पढ़ते हैं, तो देवबंद के बच्चे उस पर हंसते हैं, रवायत, अब ज़्यादा नहीं हंसेंगे, अब तो शेख लदीर भी हो गए, लेकिन उसको रवायत को रवायत पढ़ते हैं, रवायत में आता है, रवायत में आता है, ऐसे बोलते हैं। और तहकीक हो कबूल और रिवायत ही मुतलकन, तो उनकी रवायत की तहकीक, उनकी रवायत की कबूलियत का कबूल करना है मुतलकन। तहकीकी बात यह है कि उनकी रवायत को कबूल किया जाएगा मुतलकन बिला कैद के, यानी यह नहीं कि इख्तलात से पहले इख्तलात के बाद है, ये सब कैद लगाने की ज़रूरत नहीं है, कबूल किया जाएगा। मालम यतबैयन खतअहु, यो तबैयन पेश लगाने की ज़रूरत नहीं है, तबैयन खुद लाजिम है, लाजिम से मजहूल नहीं आता। मालम यतबैयन खतअहु, जब तक उसकी खता वाज़ह ना हो, कि हदीसिन बिआइनिही, किसी मुतय्यन हदीस में, उनके बारे में बस यही है कि जिनके जिनका इख्तलात खफीफ हो तो उनके सब हदीसें कबूल की जाएंगी, जो भी बयान कर रहे हैं कबूल की जाएंगे, जो भी बयान कर रहे हैं कबूल की जाएगी, सब कबूल की जाएगी, लेकिन एक हदीस बयान किया भी कबूल की जाएगी। अलबत्ता यह है कि बाद में वाज़ह हो गए तो फुला किताब से बिल्कुल खिलाफ है, वाज़ह हो गया एकदम, लोगों ने उनके साथ पढ़ने वालों ने साफ साफ बता दिया किस तरह हदीस नहीं है, या तबैयन खतअहु, उसकी खता बिल्कुल वाज़ह हो गई, फी हदीसिन बिआइनिही, मुतअय्यन हदीस में, तब तो फिर क्या होगा, इसको नहीं कबूल किया जाएगा। और कैसे पता चलेगा, वज़ालिक बिजमअ तुरुकी, और ये सनदों को जमा करने से है, इनकी एक हदीस की सनदें जमा किया तो सनदें जमा करने से पता चल रहा है यार ये तो हदीस नहीं है, कुछ गड़बड़ किया है। वह सब रिवायती और रिवायतों को जांचने से, वह दी है तरीक़त शेखैन, और यही शेखैन का तरीक़ा है, इमाम बुखारी का तरीक़ा है, इमाम मुस्लिम का तरीक़ा है, हदीस के बाब में शेखैन इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को कहा जाता है, फ़िक़्ह में शेखैन अलग हो जाते हैं,
फी सही है हिमा, अपनी सही में, यानी सही बुखारी में, सही मुस्लिम, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में। क्या तरीका है? यही है कि जिनका इख्तलाफ खफीफ है तो अगर हम जांचने लगे तो जांचने में पता चल गया कि हाँ कुछ नहीं है तो कबूली की जाएगी, लेकिन बार बार जांच रहे उसमें एक हदीस मिल गई तो मुतय्यन हदीस पता चल रहा है, ये हदीस सही नहीं है, इसकी सनद वगैरह से पता चल रहा है। बिजम इतर को सब्र रिवायात, सब्र माने जांचना परखना, जांचने परखने से, और सनदों को 10-12 सनदें जमा किया, उसको जमा करने से पता चल रहा है कि इन सब सनदों में अलग है और इन्होंने अलग से बयान किया है। दूसरा वहद ही तरीक़त शेखीन, यही शेखान का भी तरीका है, फिर सही है ईमान, अपनी किताब सही बुखारी सही मुस्लिम में। ये दोनों बातें बतला दिया, इख्तलाफ शदीद हो इख्तलाफ खफीफ, इख्तलाफ खफीफ हो तो उनकी हदीस कबूल की जाएगी, इख्तलाफ शदीद हो तो हदीस कबूल नहीं की जाएगी, लेकिन दोनों में मुस्तस्ना है। इख्तलाफ शदीद हो तो उनकी हदीस कबूल नहीं की जाएगी, मगर कबलन इख्तलाफ किसी ने सुना हो पढ़ा हो तो हदीस कबूल की जाएगी। ऐसे ही जिनका इख्तलाफ खफीफ, इख्तलाफ खफीफ हो यानी बहुत हल्का फुल्का, कभी बयान कर लिया 100 में से 99 में सही बयान करते हैं, एक आध जगह कुछ हल्का फुल्का गलत हो गया, तो इख्तलात खफीफ है, इनकी सब हदीसें कबूल की जाएंगी, यही असल हुक्म है। लेकिन कभी जांचा परखा, एक आध हदीस निकल गई, बहुत सारी सनदें जमा किया तो उससे पता चल गया कि ये तो गलत मालूम हो रही है, ये तो कोई हदीस नहीं लग रही है, तो फिर ये हदीस नहीं कबूल की जाएगी। गोया कि दोनों का एक ही हुक्म है, दोनों का इख्तलात शदीद हो तो हदीस नहीं कबूल की जाएगी, इख्तलात खफीफ हो तो कबूल की जाएगी, और उस सिलसिला सब में है कि अगर इनका जो है उसके अलावा निकल आया जांचने से तो मसला बदल जाएगा। मन इख्तलात फमतना और मुलिया हनी तहदीफ, जिसको इख्तलात हो जाए तो वो रुक जाए, आँख चली गई या वो नहीं हदीस बयान करता, शेख हदीस के अहदे से इस्तीफा दे दिया, इम्तना आँख चली गई तो कहा अब मैं नहीं पढ़ाऊँगा, उनको दे दो पढ़ाने के, और मुनि तहदीस यह हदीस बयान करने से रोक दिया गया कि भाई आप हदीस अब बयान न करो तो ख़त्म होगी बुखारी, तो आके ख़त्म करा देगा, मुनि अन तहदीस, दूसरे लोगों को बना दिया गया उनकी जगह पर, कहा गया दुआ कराइए, मुनि अन तहदीस। तो क्या हुक्म है? इख्तलात होता है तो वो हदीस बयान करने से रुक गए या रोक दिया गया, तो अब ये इस शख्स के बारे में क्या हुक्म है? कि वो अम्मा मन इख्तलाता, रही बात उस मुहद्दिस की कि जिनको इख्तलात होता है, फम तना अन तहदीसी, तो खुद ही वो हदीस बयान करने से रुक गए, फमित लुहाजा युक बल हदीस हो मुतलक, तो इनकी हदीस मुतलक कबूल की जाएगी। अब रुक गए तो हदीस कबूल की जाएगी, क्या मतलब? अब तो पढ़ाते नहीं, तो अब पढ़ाते नहीं तो इसीलिए तो पढ़ाते नहीं ताकि अब इसके बाद में बयान ही नहीं करूँगा, तो अब जो बची वो सब पहले बयान की हुई है, लिहाजा युक बल हदीस हो मुतलक, तो वो सब हदीसें पहले की मानी जाएंगी, पहले की रहेंगी, मानी जाएंगी नहीं, वो रहेंगी ही पहले की, क्योंकि ये इनके बारे में हो गया है कि जब से इनकी बिनाई गई है तब से इन्होंने क्या किया है, शेखुल हदीस के अहदे को छोड़ दिया, पढ़ा ही नहीं रहे हैं, फारिग ही नहीं रहे उनके पास से दौरे से लोग, लिहाजा अब जो इनसे बयान करेंगे, जो और दौरे के बच्चे फारिग हो गए, वो सब कब की बयान करेंगे? जब इख्तलात नहीं हो रहा था तब की बयान करेंगे, तो इसलिए युकबल हदीसुहु मुतलकन, उनकी हदीस मुतलकन कबूल की जाएगी, जो भी उनका हवाला दे के बताएगा तो पता चल जाएगा वो जब अपने ज़माने में, तो पढ़ाने बंद कर दिया उन्होंने, अपने ज़माने में जो हदीस उन्होंने पढ़ाई है वही है, तो युकबल मुतलकन, इतना युकबल हदीस मुतलकन, तो ऐसे रावियों की, ऐसे मुहद्दिस की हदीसें मुतलकन कबूल की जाएगी, कोई कैद नहीं है, क्योंकि कैद खुद ही लगा दी इन्होंने, अब मैं बयान ही नहीं कर रहा हूँ। लिम्तिनाही अन तहदीसी ज़मन इख्तलात ही, यही दलील दे रहे हैं किताब में, इनके बाज आ जाने की वजह से हदीस बयान करने से।
इनके बाज आ जाने को, जैसे हदीस बयान करने से रुक जाने से इम्तना, रुक जाना, बाज आ जाना, बाज वो जो परिंदे है नहीं है, बाज आ जाना, रुक जाना। जमाना इख्तलात ही अपने इख्तलात के ज़माने में, अपने इख्तलात के ज़माने में इन्होंने पढ़ाना ही बंद कर दिया। अगर जितनी हदीसें इनसे नशर हुई है, इनसे निकली है, वो सब हदीसें इख्तलात से पहले की हैं, तो यक़बलु हदीस वो मुतलकन। तो मिन हाज़ा, बस वक्त पूरा हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।